गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ समर वेकेशन से पहले हमने इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे इनको एक बार और पढ़ लीजिएगा और आज आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर सिक्स पॉइंट वन थ्री लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू सेवेंटी डिग्री एंड बी ओ डी इज फोर्टी डिग्री फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इसमें देखिए फिगर मैंने बनाया है और ए ओ सी प्लस बी ओ सेवेंटी डिग्री है मैंने इसको ए ओ सी को एक्स ले लिया और बी ओ ई को वाई ले लिया थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा बार बार पूरे एंगल्स के नाम नहीं लिखने पड़ेंगे इसलिए मैंने इसे ले लिया एंगल बी ओ डी फोर्टी डिग्री आप देख सकते हैं बी ओ डी फोर्टी डिग्री और आपको निकालना है बी ओ और रिफ्लेक्स सी ओ ई सबसे पहले देखिए एंगल बी ओ डी और ए सी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो बी ओ डी टू ए ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो इसका मतलब ए ओ सी हमारा फोर्टी डिग्री हो गया अब एक्स प्लस वाई सेवनटी था तो फोर्टी प्लस वाई जीकोस टू सेवनटी तो वाई जीकोस टू थर्टी डिग्री आ जाएगा वाई मतलब एंगल बी ओ तो पहला पार्ट हमारा बी ओ ई था तो पहला आंसर हमारा आ गया फिर आप देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एंगल सी ओ ई टू वन एट्टी डिग्री क्योंकि तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन में हैं। तो 70, X y 70 है तो सेवनटी एक्स प्लस वाई की वैल्यू सेवनटी है ही प्लस सी ओ जीक्वल टू वन एट्टी तो एंगल COE ई जीक्वल टू वन एट्टी माइनस सेवेंटी दिस इज वन हंड्रेड टेन देयर फोर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई थ्री सिक्सटी माइनस वन हंड्रेड टेन हो जाएगा तो टू फिफ्टी हो जाएगा रिफ्लेक्स निकालने के लिए थ्री सिक्सटी में से माइनस करते हैं फिर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इन फिगर सिक्स पॉइंट वन फोर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल POY इज नाइन्टी डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू टू रेशियो थ्री फाइन एंगल सी तो इसमें फिगर आप देख लीजिए ये फिगर है ये एंगल ये हमारा पी है और यहां वाई है यहां पे ओ है ये ओ पॉइंट है तो ए और बी का रेशियो टू इज टू थ्री है तो लेट एंगल ए जीक्व टू टू एक्स एंड बी जीकस टू थ्री एक्स ये आपने पहले भी देखा होगा जब हम रेशियोज को सेपरेट करते हैं तो किसी फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको दिख रहा है ए प्लस बी नाइन्टी डिग्री क्योंकि ये नाइन्टी है तो ये दूसरा भी नाइन्टी होगा मतलब ए और बी का सम भी नाइन्टी होगा क्योंकि ये पूरा वन एट्टी डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन में तो एक्स की वैल्यू एटीन आ गई तो बी थ्री एक्स था तो थ्री इन टू एटीन फिफ्टी फोर नाउ यू कैन सी एंगल बी एंड एंगल सी दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन सो एंगल बी प्लस एंगल सी वन डिग्री लीनियर पेयर है तो फिफ्टी फोर प्लस एंगल सी सी की वैल्यू वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री आ जाएगी जो हमें निकालनी थी थर्ड क्वेश्चन देखिए प्रूफ करने वाला है जब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन क्वेश्चन हो, होंगे तो आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जैसे गिवन क्या है प्रूफ क्या करना है और प्रोसीजर ये प्रूफ वाला स्टेप है कहीं कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं तो वो भी लिखना है तो इसमें देखिए इन फिगर सिक्स पॉइंट वन फाइव एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी तो देखिए इसमें इन ट्रैगल पी क्यू आर ये फिगर मैंने बना दिया और लेवलिंग कर दी जिससे कि आपको पूरे एंगल्स के नाम ना लिखने पड़े तो ये पी क्यू आर वन है पी आर क्यू थ्री है पी क्यू एस टू है और पी आर टी फोर है तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल इन ट्राइंगल PQR पी क्यू आर पी क्यू आर टू पी आर क्यू टू प्रूव वट वी हैव टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इजिकल्स टू पी आर टी मतलब एंगल टू इजिक्वल्स टू एंगल फोर प्रूफ करना है प्रूफ पार्ट देखिए एंगल वन और टू को अगर हम ऐड करेंगे तो वन एट्टी डिग्री आएगा सिमिलरली एंगल थ्री और फोर को ऐड करेंगे तो वन एट्टी डिग्री आएगा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल वन प्लस टू टू एंगल थ्री प्लस फोर अब आप देख रहे हैं कि एंगल वन और थ्री इक्वल दिए हुए हैं तो एंगल वन और थ्री को हमने वन लिख दिया तो इससे ये दोनों एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे तो एंगल टू जीवल टू तो एंगल फोर हमारे पास बच गया टू मतलब पी क्यू एस और फोर मतलब पी आर टी यही हमें प्रूफ करना था तो एंगल पी क्यू एसक्स टू एंगल पी आर टी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फोर है इन फिगर सिक्स पॉइंट वन सिक्स इफ एक्स प्लस वाई जीक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड प्रूव दैट एओ बी इज अंग हमारा फिगर है मैंने फिगर बनाया है आपको प्रूफ करना है एओ बी लाइन इसका मतलब कि या तो x प्लस वाई या फिर w प्लस जेड आपको 180 डिग्री प्रूफ करना है या दोनों 180 डिग्री प्रूफ करने है तो गिवन मैंने लिख दिया टू तो प्रूफ मैंने लिख दिया प्रूफ देखिए x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं कंप्लीट एंगल बन रहा है तो दिस इज थ्री डिग्री तो एक्स प्लस और डब्ल्यू प्लस की जगह मैंने एक्स प्लस लिख दिया क्योंकि ये गिवन है एक्स प्लस वाई जीक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू तो ये टू एक्स प्लस टू वाई हो गया थ्री सिक्सटी तो टू कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई हमारा वन एट्टी डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई क्योंकि ये डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है तो एक्स प्लस वाई जीक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड इजल्स टू वन एट्टी डिग्री इसका मतलब ए ओ बी इज अ लाइन क्वेश्चन नंबर फाइव इन फिगर सिक्स पॉइंट वन सेवन पी ओ क्यू इज अ लाइन रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर देन प्रूव दैट एंगल आर ओ एस टू वन पॉइंट टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस तो हमें प्रूफ करना है इसमें देख लीजिए कि एंगल आर ओ एस टू वन पॉइंट टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस मैंने इनको नेमिंग कर दी है तो नेमिंग के अकॉर्डिंग हमें वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्रूफ करना है जबकि गिवन है आर ओ इज टू पी क्यू एंड ओ एस इज रे ओ पी एंड ओ आर तो प्रूफ में देखिए एक्स प्लस वाई जिक्वल टू जेड जेड की वैल्यू 90 है और एक्स प्लस वाई भी 90 है तो मैंने लिख दिया ईच 90 वाई इज इक्वस टू जेड माइनस एक्स यहां से मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि मुझे वाई अलग सा चाहिए था तो वाई इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स कर दिया अब मुझे यहां y प्लस जेड चाहिए तो मैंने क्या किया y को दोनों साइड ऐड कर दिया तो y प्लस वाई जीक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स क्योंकि एक साइड हम ऐड नहीं कर सकते तो इट विल बी टू वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स तो यहां से वाई सेपरेट हो जाएगा वाई इजल टू हाफ ऑफ वाई प्लस जेड माइनस एक्स अब आप देखेंगे कि वाई प्लस जेड क्या है वाई प्लस जेड फिगर में देखिये वाई एंड जेड ये हो गया हमारा क्यू ओ एस और एक्स हमारा है पीओ एस तो इसका मतलब ये हो गया राइट right साइड में क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस और लेफ्ट साइड में हो गया आर ओ एस देखो लेफ्ट साइड में आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस क्वेश्चन नंबर सिक्स है लास्ट क्वेश्चन इट इज गिवन देंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सिक्सटी फोर एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी आपको अपने आप फिगर बनाना है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाई सेक्स एंगल जेडवाईपी फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यूवाई पी तो सबसे पहले देखिए एक्स वाई जेड सिक्सटी फोर डिग्री उसके बाद एक्सवाई रे एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी प्रोड्यूस कर दिया इसको वाई से पी तक और फिर ये कह रहे हैं कि वाई क्यू एंगल जेड वाई पी का मतलब कि दोनों एंगल्स बराबर होंगे एक्स एक्स मैंने सपोज कर लिए तो अब मुझे निकालना है एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी तो सबसे पहले एक्स प्लस एक्स प्लस सिक्सटी फोर इजिक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट एंगल सो टू एक्स इजीकल्स टू वन एटी माइनस सिक्सटी फोर दिस इज़ वन हंड्रेड सिक्सटीन तो x की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज फिफ्टी एट एक्स मतलब यहां से हो गया पी वाई क्यू या फिर जेड वाई क्यू तो हमें क्यू वाई पी निकालना था तो ये हमारा फिफ्टी एट डिग्री हो गया एक आंसर फिर हमें निकालना एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू मतलब एक्स प्लस सिक्सटी फोर तो x प्लस सिक्सटी फोर मतलब फिफ्टी एट प्लस सिक्सटी फोर वन हंड्रेड ट्वेल्व हो गया फिर रिफ्लेक्स क्यू पी निकालना रिफ्लेक्स का मतलब थ्री सिक्सटी में से माइनस कर लेंगे क्यू आई पी हमारा आई रखा है क्यू पी मतलब क्यू वाई पी एक्स एक्स आ रखा है तो थ्री सिक्सटी में से एक्स को माइनस कर देंगे दिस विल बी रिफ्लेक्स क्यू वाई पी दिस इज थ्री हंड्रेड टू डिग्री थैंक यू वेरी मच